हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मॉडल पेपर, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। जो इस मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन UGC नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेकेंड पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरी आने वाली और नई वीडियो के लिए। और आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरी आने वाली वीडियोस भी अभी UGC नेट के लिए ही होंगी। और थैंक यू सो मच अगर जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी। मैंने अभी अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है लाइफ की बात नेहा के साथ, जिसमें मैं अनबॉक्सिंग, रिव्यू और कुछ ब्लॉग्स और रेसिपी, रेमेडीज, टिप्स एंड ट्रिक्स डेली यूज़ की शेयर करती हूँ। अभी उस चैनल पर मैंने शायद 4-5 वीडियोस अपलोड की हैं। तो फ्रेंड्स, उस चैनल को भी आप लोगों का प्यार भरा सपोर्ट चाहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अपना पूरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को किशोर पीढ़ी का समाजीकरण बताया है? तो इसका सही ऑप्शन है दुर्खिम। ठीक है, खा ऑप्शन इसका ठीक है, दुर्खिम। यह किसका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में आत्मविश्वास एवं आत्मनियंत्रण उत्पन्न करना, उन्हें अंधविश्वासों एवं अज्ञानता से छुटकारा दिलाना, उन्हें ज्ञान प्रदान करना, उन्हें वास्तविकता पूर्व विचार करने के योग्य बनाना तथा प्रबुद्ध नागरिक बनने में सहायता प्रदान करना होना चाहिए? तो यह विचार था गिडिंग्स का। धारणाएं वह विचार जो प्राकृतिक एवं दैवीय संसार के बारे में होते हैं, किंतु वे वस्तुनिष्ठता या तथ्यों पर आधारित नहीं होते तथा यह व्यक्ति की अपनी मान्यताओं व सोच पर आधारित होते हैं, कहलाता है क्या? विश्वास। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है विश्वास। रूढ़ियां स्वीकृति मूल्य नहीं बल्कि विश्वास। दो सूचियाँ दी गई हैं, तो पहले में है कानून, मूल्य, प्रतिमान, रूढ़ियाँ। तो इसका सही ऑप्शन इसका हम 36 वाला क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थापन का स्वस्थ एवं सर्वोत्तम रूप है? तो इसका सही है समझौता। व्यवस्थापन के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? उपयुक्त सभी हैं, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्थिति, आत्मसात, यानी कि सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संस्कृति ग्रहण, सामाजिक एकीकरण तथा आत्मसातकरण को उत्तम ढंग से वर्णित किया जा सकता है कि ये समंजन के स्वरूप हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश सामाजिक एवं प्रजातीय समस्याओं का हल समायोजन है। ओके, ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभिन्न संस्कृतियां या संस्कृतियों के व्यक्ति या समूह एक समान इकाई के रूप में मिल जाते हैं, इसे किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे? सात्मीकरण। ओके, सात्मीकरण। निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की अमान्य वहीन कहा है? फेजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से काला जादू क्या है? विनाशात्मक जादू, यानी कि विनाश करने वाला जादू। जादू को आभासी विज्ञान एवं आभासी कला किसने माना है? फ्रेजर ने। ठीक है, धर्म और जादू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धर्म में विज्ञान की भांति कार्यकरण पर जोर दिया जाता है, परंतु जादू में ऐसा नहीं है। ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह किसका कथन है कि विज्ञान संस्कृति का वह भाग है जो प्रकृति के व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है? किंग्सले डेविस। वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया एवं अवस्था दोनों ही हैं? समायोजन, मतलब समायोजन में प्रक्रिया और अवस्था दोनों इंक्लूड होती हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में व्यवस्थापन समायोजन के बारे में कौन सा सही है? तो इसका उपयुक्त सभी, मतलब सारे ही ऑप्शन ठीक है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है, संघर्ष का परिणाम है, सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
समन्वयात्मक व्यवस्थापन तथा अधिष्ठापदीय एवं अधीनस्थ व्यवस्थापन का उल्लेख किसने किया है? ग्लीन एवं गिलीन ने कौन सा अधिपाष्ठीय और अधीनस्थीय अधिष्ठापदीय और अधीनस्थीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यवस्थापन समायोजन के बारे में असत्य है? व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धा का परिणाम है, ये ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। व्यवस्थापन की निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका उल्लेख ग्लीन एवं ग्लीन द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका है केवल दूसरा, यानी कि कूटनीति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? उच्च हिंदू जातियों से प्रतिस्पर्धा करते हुए सुधार, बिरसा दल आंदोलन, ये इसका ऑप्शन गलत है, असंगत मतलब सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, जनजातीय आंदोलन के कारण को और संबंधित जनजाति से सम्मिलित कीजिए। तो बाहरी लोगों के शोषण के कारण, आर्थिक वचनों के कारण, पृथकवादी प्रवृत्तियों के कारण, परंपरागत वन अधिकारों के कारण। तो इसका ग ऑप्शन ठीक है। ग ऑप्शन में ए का है पहला, दूसरा, तीसरा, ये चारों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सारी सूचियां सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय आंदोलन के उद्भव के मुख्य कारण है क्या? उपयुक्त सभी, सारे ही ठीक है, अत्याचार, भेदभाव, पिछड़ापन। दलित पंथर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दलितों में बौद्धिक जागरण और चेतना पैदा करना। द नडारस ऑफ तमिलनाडु नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हार्ट ग्रेव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं जिसमें है उद्देश्य तो समान परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समूह कल्याण की प्रधानता नहीं बल्कि व्यक्ति कल्याण की प्रधानता होती है। जब व्यक्ति अथवा समूह अपने हित को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहते हैं, सभी व्यक्तियों के विचारों और व्यवहारों में समानता समान पाई जाती है। तो इसका ख ऑप्शन ठीक है, यानी कि ए का तीसरा ठीक है। तो ऐसे आप मिला लीजिएगा इसको, ख ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का आधार क्या है? सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समूह या राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष करते करते थक जाते हैं और बदली हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर लेते हैं, तो उनमें पाए जाने वाले सहयोग को किस प्रकार का सहयोग कहा जाता है? तृतीयक सहयोग, या कौन सा? तृतीयक सहयोग। एक प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थापन प्रयत्नों का वह अनुक्रम जिसके द्वारा मनुष्य परिवर्तित अवस्थाओं द्वारा आवश्यक बनाई गई आदतों एवं मनोवृत्तियों निर्माण करके जीवन की परिवर्तित अवस्थाओं से एकता स्थापित करता है, क्या कहलाता है? समायोजन। व्यवस्थापन समायोजन को विरोधी सहयोग की संज्ञा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुक बैंक कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, बुक बैंक कार्यक्रम का ये उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनजातीय लोगों को व्यापारियों और बिचौलियों के शोषण से बचाने और उन्हें छिटपुट वन उत्पादों तथा अपनी जरूरतों से अधिक कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड का गठन कब किया गया? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। दो सूचियां दी गई हैं कि योजनाओं को वर्ष से सुमिलित कीजिए, मतलब यहाँ वर्ष दिए गए हैं और ये योजनाएं दी गई हैं। तो इसका सही ऑप्शन है गा, पहले ए का है पहला और बी का है दूसरा, ये सारे ही एक दूसरे से सही हैं, मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का गठन कब किया गया? अप्रैल 2001 में। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित समुदाय है क्या? उपरोक्त सभी, यानी कि सारे ही ठीक है इसके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने वाली हूँ। व्यवस्थापन निम्नलिखित में से किस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है? तृतीयक सहयोग का। वह सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग श्रद्धाश्य चीजें साथ साथ करते हैं जाना जाता है क्या? प्रत्यक्ष सहयोग से। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? परिवार। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, दो कारण दिए गए हैं, कथन और कारण दिए गए हैं। सहयोग भी समाज का एक आधार है, एक सभ्य समाज में संघर्ष नहीं होते। तो इसका सही ऑप्शन है ए सही है, परंतु आर गलत है।
ठीक है, कि सब समाज में संघर्ष नहीं होते ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसका कथन जो है वो ठीक है, कारण गलत है, यानी कि ग ऑप्शन ठीक है। खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? सहयोग, जब आपस में सहयोग होगा तभी कोई गेम अच्छा हो पाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लेने के उद्देश्य से पंचायती राज योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर में, 1959 में। मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रुडोल्फ एवं रुडोल्फ द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, 11वीं अनुसूची के। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व निम्न से कौन से नहीं हैं? दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा धार्मिक सहिष्णुता और तीसरा समान आर्थिक हितों की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन उदाहरण किसका? अप्रत्यक्ष सहयोग का। सहयोग की वह परिभाषा किस विद्वान ने दी है कि सहयोगी समूह वह है जो ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं? प्रोफेसर के डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधों की प्रकृति के आधार पर सहयोग का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और आदि सहयोग से किस विद्वान ने किया है? प्रोफेसर ग्रीन ने। प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? मैकाइवर तथा पेज ने। आर्गवन एवं निमकाफ के द्वारा उल्लेखित सहयोग के प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? विशिष्ट सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष को महान विभाजक संघर्ष की संज्ञा दी गई है? 1921 का। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त सभी, मतलब सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भारत का वर्तमान जनसंख्या घनत्व 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये इसका असत्य ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचलित जनसंख्या के आकार के प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, मतलब प्रकटन के संदर्भ में इनका काल क्रमानुसार सही क्रम है, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। जनसंख्या के घनत्व का क्या कार्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या से है। जनसंख्या का घनत्व हम कैसे निकालते हैं? प्रति किलोमीटर में जितना लोग रहते हैं, जितने लोग निवास करते हैं, उनकी संख्या को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहगामी संगठनात्मक एवं एकीकरण करने वाली प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं आता है? प्रतिस्पर्धा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों को संयुक्त करते हैं कहलाता है क्या? सहयोग। सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी काम समान इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न है। सहयोग की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? प्रोफेसर ग्रीन द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। दूसरा और चौथा, उपयुक्त में से कौन से सहयोग की विशेषताओं के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो वे की भावना पाई जाती है, और चौथा की एक अचेतन प्रक्रिया, दोनों नहीं आते हैं किसमें? सहयोग की विशेषताओं में। सूची दी गई है जिसमें कुछ बुक्स और उनके राइटर्स दिए गए हैं, तो इसका ग ऑप्शन ठीक है, पहले का, ए का, दूसरा, बी का, पहला, सी का, चौथा, डी का, तीसरा। निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से विवेकीकरण यानी कि रैशनलाइजेशन से संबंधित है पहला और दूसरा, यानी कि वांछनीय उद्देश्य और किसी निश्चित कार्य को अधिगम कुशलतापूर्वक न्यूनतम लागत पर संचालित करना। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार विवेकीकरण युक्तिकरण के आधार पर पूंजीवाद प्रशासन तंत्र और कानूनी राज का उद्भव हुआ? मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। जब कोई व्यक्ति समूह अथवा देश दूसरे व्यक्ति समूह या देश को हानि पहुंचाने और उनकी संपत्ति संसाधनों पर कब्जा करने हड़पने की मामला करते हैं, बाद में इस प्रक्रिया को जायज ठहराने हेतु समाज द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले योग तथा श्रेष्ठ अनेक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? युक्तिकरण यानी कि विवेकीकरण। किस समाजशास्त्री के अनुसार युक्तिकरण की प्रक्रिया रहस्य उद्योग परंपरा और भावात्मक के अनुमूलन पर जोर देती है? मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। दो कथन, मतलब एक कारण और कथन दिए गए हैं। औद्योगिकरण से सामुदायिक भावना बढ़ी, जितना बड़ा नगर होता है वहाँ के व्यक्तियों में पारस्परिक घनिष्ठता कम हो जाती है, तो इसका ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये इसका कारण सही है और कथन गलत है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96, निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रक्रिया को प्रकारों का उल्लेख ग्लीन एवं ग्लीन ने नहीं किया है, विशिष्ट सामाजिक प्रक्रियाओं का। निम्नलिखित क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उपयुक्त सारे ही कथन सत्य हैं, इसके सारे ही कथन सत्य हैं, उपयुक्त सभी। सामाजिक अंतःक्रिया को चार मूलभूत प्रकारों प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन, सामतिकरण से किस विद्वान ने बांटा? पार्क एवं वर्गेस ने। निम्न में से सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? पहला और तीसरा है, सहयोग और सामतिकरण। निम्नलिखित में सहयोगी व पृथक्करण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो इसका पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, प्रतिकूलन, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, असहयोगी पृथक्करण करने वाले सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मॉडल पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।